हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं भिंडी और प्याज से बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम भिंडी को के दोनों सिरों को काट करके और उसको बीच से एक बार काट लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा लंबे पीस में ही काटना है। तो जो लंबी भिंडी होंगी उसको बीच से काट लेंगे और जो छोटी होगी उसको सिर्फ दोनों सिरों से काट करके और उसको रख लेंगे। तो इस तरह से हम भिंडी काट के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी भिंडी हमारी कट गई है। अब हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज से कुछ इसको इस तरह से क्यूब शेप में मैंने काट करके तैयार किए हैं। तो इसमें दो प्याज यूज़ किए हैं, बाकी इनर पार्ट हम उसके ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में मैंने कटी हुई भिंडी डाल दी है और साथ में हम डाल देंगे जो हमने प्याज के क्यूब्स काटे हैं उसको डाल देंगे। अब हमने बेसन लिया है, इसमें बेसन डालेंगे। तो दो चम्मच, दो बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन का लिया है उसको डाल देंगे और साथ में हम थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे आधा छोटी चम्मच हमने नमक डाला है, बाकी हम थोड़ा नमक ग्रेवी में ऐड करेंगे। और मसाले में मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम मसाले बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, जैसे कि हमने सिर्फ लाल मिर्च थोड़ा सा डाला है और नमक, और फिर हम इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बेसन डाला है ताकि भिंडी के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। और हमें इसमें कोई भी पानी नहीं डालना है, भिंडी में थोड़ा सा लसलसापन होता है, इसी की वजह से सारे भिंडी और प्याज में अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। अब हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए डाल दिया है और तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना है, बिल्कुल ही धुआं आने तक गर्म करना है। और उसके बाद हम भिंडी को इसमें फ्राई करेंगे। तो एक बार में मैंने सारी भिंडी नहीं डाली है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसको फ्राई होने देंगे। तो भिंडी को हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से बेसन जो हमने इसमें डाला है उसकी वजह से ये करारे हो जाए। और इस तरह से बेसन जब हमारा इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे, इस स्टेज तक हमें भिंडी को फ्राई करना है। तो तेल भी हम एकदम गरम रखेंगे और फ्लेम को भी हम हाई पे ही रखेंगे और इसके साथ हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा एक पैच फ्राई होने में। तो इसको फ्राई करके हमने निकाल लिया है। इसी तरह हम पूरी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में हमने भिंडी फ्राई की है तो उसमें तेल बची हुई है, तो उसी में हमने डाल दिया है जीरा और एक तेज़पत्ता और एक सूखी मिर्च हमने डाल दी है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है और इसको भून लेंगे हम थोड़ा सा। और यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको डाल देंगे और प्याज और लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसके बाद मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर को भी लिया है और इसको भी डाल देंगे और मसाले में, और इसको भी भून लेंगे साथ में। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक हमने पहले भी डाला था बेसन की कोटिंग के समय में, जब हमने भिंडी में डाला था बेसन और मसाले तब भी नमक डाला था। तो उसके हिसाब से ही हम मसालों में भी नमक डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच मैंने यहाँ पर जीरे का पाउडर लिया है। और इन सब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हम इन मसालों में ही डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मसाले को तेल छोड़ने तक हमें फ्राई करना है। अब हमने थोड़ी सी दही ली है और दही को फेट करके इसको डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, दही हम नॉर्मल टेम्परेचर का लेंगे, फ्रिज से निकाल के पहले ही बाहर रख लेंगे। और दही ऐड कर दी है
अगर टमाटर खट्टी हो तो आप टमाटर कम डालें, एक डालें, या फिर टमाटर आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ आप दही डालें। तो ये हमने अब जो फ्राई करके रखी है भिंडी उसको भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम एक मिनट तक अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपको सूखी सब्जी रखनी है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इसको 2-3 मिनट आप ढक करके कुक कर लें और ये सब्जी बनके तैयार है। अगर थोड़ी सी आपको ग्रेवी को पतला करना है तो हम पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद ढक करके हम 3-4 मिनट तक और पका लेंगे इसको। और 3-4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया और इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया है गरम मसाला और इसको एक बार चला लेंगे। तो भिंडी हमारी पहले से फ्राई रहती है तो 3-4 मिनट काफ़ी है कुकिंग टाइम इसको पानी डालने के बाद, और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और ये भिंडी की सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी सी बनके तैयार हो गई है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर ही लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।